हेलो एवरीवन, दिस इज़ हर्ष एंड यू आर वॉचिंग फिलहस यात्री व्लॉग्स। ये है दिल्ली टू केदारनाथ सीरीज़ का सेकंड पार्ट। आज है हमारा डे टू। अभी हम हैं सोन प्रयाग पर। आज के दिन हम करेंगे ट्रैकिंग। बाइक पार्क करने के बाद हम जा रहे हैं टैक्सी स्टैंड, जिसका डिस्टेंस है 600 मीटर। उसके लिए आपको वॉक करके ही जाना होगा। और आप सामने की ओर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है केदारनाथ धाम में सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। और हमें जाना है सोनप्रयाग से गौरीकुंड, जिसका डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। उसके लिए हमें जाना होगा प्राइवेट टैक्सी से, क्योंकि यहाँ पर पर्सनल व्हीकल अलाउड नहीं है। प्राइवेट टैक्सी एंड जीप का जो फेयर है वो है 50 रुपीज़ पर हेड। और इसी के साथ हम चल दिए हैं गौरीकुंड की ओर। अभी मुझे यहाँ से जो टाइम लगेगा वो लगेगा लगभग हाफ एन आवर के आसपास। और आप सामने की ओर देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है पहाड़ का, एक अलग ही सुकून है यहाँ पर। आगे ट्रैफिक होने की वजह से हम पहले ही उतर गए थे। आप देख सकते हैं हम वॉक करके जा रहे हैं सामने की ओर। बस थोड़ा सा ही वॉकिंग डिस्टेंस है, लगभग 500 to 600 मीटर। के साथ हम एंटर कर चुके हैं केदारनाथ फुट ट्रैक, जिसका डिस्टेंस है 22 किलोमीटर। आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी इस टाइम पे थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं गौरीकुंड। अभी हम जा रहे हैं गौरीकुंड में स्नान करने के लिए। आइए मैं आपको बताता हूँ गौरीकुंड के बारे में। गौरीकुंड एक थर्मल स्प्रिंग है जो केदारनाथ के रास्ते में पड़ती है। इस कुंड का नाम देवी पार्वती के नाम पर पड़ा है, जिन्हें गौरी के नाम से भी जाना जाता है, जिसके बारे में माना जाता है कि उन्होंने इस जगह पर अपना योग संस्कार किया था। बता दें कि केदारनाथ धाम की यात्रा गौरीकुंड से ही शुरू होती है। भक्तगण स्नान करके ही आगे बढ़ते हैं। स्नान करने के बाद हमारी यात्रा आरंभ होती है और अभी हम हैं गौरीकुंड मार्केट में। बोलिए हर हर महादेव। और हम बढ़ रहे हैं गौरीकुंड मार्केट से आगे की ओर। यह दृश्य आपने केदारनाथ मूवी में भी देखा होगा। के साथ हम टोटल 500 मीटर ट्रैक कर चुके हैं और यहाँ से हमें दिखा रहा है 15.5 किलोमीटर केदारनाथ मंदिर की ओर का रास्ता। आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कभी भी अपने साथ इतना लगेज ना लेके आए जिससे आपको ट्रैक करने में मुश्किल हो। हमने भी ये गलती की थी कि हमने थोड़ा ज़्यादा ही लगेज कैरी कर लिया था, जिससे वेट बैग का काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था, उससे हमें ट्रैक में प्रॉब्लम हो रही थी। आइए मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी है
जब हम ट्रैक करते हुए आगे जाते हैं तो हमें यही पता लगता है कि हमें आगे बारिश मिलेगी या धूप मिलेगी। यहाँ पर सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल है, यहाँ का वेदर का कुछ नहीं पता कि कब बारिश हो जाए, कब धूप निकल जाए, कुछ भी नहीं कह सकते हैं। को एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ मुझे ट्रैकिंग करते वक्त कितना मजा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्वर्ग ही है, स्वर्ग से कम कुछ भी नहीं है। और जैसे जैसे मैं आगे जाता जाऊंगा मेरे को ट्रैक करने में और थोड़ा मजा आएगा और थोड़ी कठिनाई भी होगी, क्योंकि यहाँ की जो ट्रैक है वो हमारे लिए सरप्राइज की तरह है। और इसी के साथ हमें ये भाई मिले जिन्होंने कहा हमें हर हर महादेव। और इसी के साथ हमें यहाँ पर भैरव बाबा का मंदिर भी मिला, यहाँ पर हमने दर्शन किए और हम निकल गए आगे की ओर। बोलिए हर हर महादेव। ट्रैक करते करते बज चुके हैं 8, आप देख सकते हैं यहाँ पर अंधेरा हो गया है और यहाँ पर दुकान भी जो है वो लगभग बंद ही हो रही है। सामने की ओर आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट का भी इशू है, प्रॉपरली लाइट यहाँ पर है नहीं। बाकी का ट्रैक कवर करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, सो आप बने रहिए मेरे साथ में।